हेलो गाइस, एमडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 65 इंची मोटोरोला टीवी, गूगल टीवी है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए एक बार देखते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। 65 UHD अल्ट्रा HD है ये, 2GB प्लस 16GB, 2GB रैम है और 16GB रोम है इसमें। लेंथ की बात करें इसकी, 1.65 मीटर की इसकी लेंथ है। क्वाड कोर प्रोसेसर, डुअल बैंड वाईफाई, क्रोमकास्ट बिल्ट इन। ये बॉक्स पे फीचर्स दिखाए गए हैं। ये बिल है इसका, बिल कस्टमर को ये LED जो बाय किया कस्टमर ने, ये है 35,184 रुपये का मिला है। और डिस्काउंट जो मिला है 4,806 रुपये का कस्टमर को डिस्काउंट मिला है। मोटरोला एनविजन एक्स 165 सेंटीमीटर 65 इंची जो टीवी है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही बड़ा LED टीवी है और पिक्चर क्वालिटी अच्छी है मोटरोला टीवी की। व्यू टीवी भी अच्छा है काफ़ी। ये कुछ एक्सेसरीज वगैरह साथ में आई, इनको बाहर निकाल के साइड में रख देते हैं। जो इसका रैपर है, रैपर को भी बाहर निकाल देते हैं। फिर इसको बाहर निकाल के हम बेड के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जगह थोड़ी है यहाँ पे, तो बॉक्स पे हम नहीं रख सकते यहाँ पे। पहले एक बार इसको बाहर निकाल लेते इसके रैपिंग को। देख सकते हैं आप, तो कुछ इस तरह का हमारा ये मोटरोला का 65 इंच टीवी दिखता है। बेजललेस देख सकते हैं आप तीनों तरफ से, राइट लेफ्ट अप से डाउन की तरफ थोड़ा सा दिखने को मिल जा रहा है इसमें। ब्रांडिंग की तरफ बॉक्स पे कुछ इसके बारे में बताया गया है। पावर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, मॉडल नंबर दिया हुआ है 65 UHD, GDMB SXP, नेट क्वांटिटी 1, जो हमारी LED है वो 1 क्वांटिटी है, यूनिट बोलते हैं। डिस्प्ले साइज जो है 165 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट कंटेन। एंड जो साथ में आया है इसकी चीज़ें वो दिखाया गया है, एक्सेसरीज जो है, टीवी यूनिट, रिमोट कंट्रोल, मिनी AV केबल, यूज़र मैनुअल, पावर कार्ड, AAA बैटरी है और जो है स्टैंड साथ में आया है इसका। वॉल माउंट स्टैंड साथ में नहीं आता, जो हमारा टेबल टॉप स्टैंड है वो साथ में आया, मूवेबल अलग से लगता है इसमें। एंड जो टेबल स्टैंड के स्क्रू लगते हैं वो 4 दिए हुए हैं। नेट वेट जो इसका 18.8 kg। ये कुछ एक्सेसरी साथ में है, AV केबल है 3 in 1, ये रिमोट साथ में है, पावर केबल, ये 4 स्क्रू है टेबल स्टैंड के, और ये हमारे टेबल स्टैंड दिए हुए हैं। तो ये कुछ एक्सेसरीज वगैरह साथ में है। चलिए रिमोट चेक कर लेते हैं। रिमोट में आप देख सकते हैं ऊपर ऑन ऑफ का बटन है, माइक का सिस्टम है। नीचे हमें मिल जाता है हमारा अकाउंट बनाने का ऑप्शन, गूगल असिस्टेंट सेटिंग, राउंड सर्कल से अप डाउन राइट लेफ्ट बीच में ओके, उसके ठीक नीचे मिलता है लेफ्ट साइड में बैक का ऑप्शन, होम पेज, एंटीना, वॉल्यूम प्लस माइनस, म्यूट, इनपुट। इनपुट में हमारे HDMI वगैरह, AV केबल वगैरह, जो हमारे कैमरे वगैरह वो चलते हैं, USB का भी ऑप्शन है, और हॉटकीज वगैरह है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, गूगल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर दिया हुआ है। पावर सोर्स AC 100 वोल्ट से 240 वोल्ट हमारी AC लाइट चाहिए, और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 50 से 60 Hz। पावर कंजप्शन की बात करें तो 200 वाट तक हमारी जो है बिजली की यूज होगा हमारा बिजली। ये कुछ डेंजरस चीज़ें दिखाई गई है, हाई वोल्टेज इनसाइड टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। चलिए इसकी रेटिंग देख लेते हैं बार, 2 स्टार इसकी रेटिंग है। ब्रांड दिया हुआ मोटरोला, मॉडल नंबर और ईयर 2023 है, ये 2023 का ही मॉडल है। इक्विपमेंट टाइप में अल्ट्रा HD 4K टीवी अल्ट्रा HD है। एक स्क्रीन साइज जो है 165 सेंटीमीटर है इसकी। मॉडल नंबर 65 UHD GDMB SXP। ये हमारा AC का है, जहाँ पे हमारी पावर केबल लगती है, इसमें अलग से लगती है। और पोर्ट देख लेते हैं, इसमें LAN का है, डिजिटल ऑडियो आउट, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 का ऑप्शन है, USB 1 और 2, एंटीना इन और AV इन। ये कुछ पोर्ट्स वगैरह इसमें दिखाए गए हैं। LED हमने अपना इंस्टॉल कर दिया है पैनल पर, जो लकड़ी का पैनल होता है उसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अब इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसके फीचर्स वगैरह जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं LED हमारा ऑन हो गया है। मोटरोला का जो लोगो है वो आ गया आगे, ब्रांडिंग नेम। अभी थोड़ा सा सेटअप लगेगा स्टार्टिंग में, सेटअप करने के बाद इसमें आपको हम वीडियो चला के दिखाएंगे, जो 4K वीडियो है वो चलाएंगे।
यूट्यूब पर। पहले ये रिमोट पेयर करना पड़ेगा, तो हम रिमोट पेयर कर लेते। पहले यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है डिस्प्ले में, जो हमारा गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन है उसे प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हमारा रिमोट जो है पेयर हो जाएगा। तो एक बेसिक सेटअप है, इसको करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट, उसके बाद बेसिक सेटअप, वाईफाई को बाद में कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम स्किप कर देते हैं। एक्सेप्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक ओके करके और नेक्स्ट। कंट्री इंडिया, टीवी सोर्स है, यहाँ पे स्किप कर देंगे फिलहाल हम। अभी हमारा होम पेज आ जाएगा, तो ये होम पेज हमारा आ चुका है। ये इनपुट का ऑप्शन है, यहाँ पे सभी शॉर्ट कीज दी हुई है, शॉर्टकट में सभी चीज़ें इनपुट में, ए वी, यू एस बी, एच डी एम आई 1, एच डी एम आई 2, एच डी एम आई 3, ये सभी चीज़ें इसमें शॉर्टकट में दी हुई है, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कीबोर्ड का ऑप्शन है, स्लिप टाइम का, डिस्प्ले ऑफ का, स्पीड का, पावर ऑन ऑफ, और यूएसबी, नेटवर्क, और इसके बाद ब्लूटूथ। ये तो ये डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट में की वगैरह दी हुई है। सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में इनपुट, पिक्चर, स्क्रीन सेवर, ये ऑप्शन दिए हुए हमें। पिक्चर में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है पहले, तो यहाँ से हम अपनी पिक्चर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग में चलते हैं वापस से। यह इनपुट का ऑप्शन है, वही जो शॉर्ट कीज वगैरह मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, यहाँ से भी आपकी निकल के आ सकती है। ऐप्स वगैरह है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, लाइव टीवी, यहाँ से डायरेक्ट आपका सेटअप बॉक्स चल जाएगा। उसके बाद है हमारा मीडिया, मीडिया प्लेयर, और यूट्यूब, ब्लूटूथ, डेली मैनेजर, ई मैनुअल, और लाइब्रेरी। ये कुछ ऑप्शन दिखाए गए। चल जी सेटिंग में चलते भी, सेटिंग में गूगल सेटअप है। गूगल सेटअप के लिए जीमेल और आईडी और पासवर्ड ज़रूरी है, उसके बिना गूगल सेटअप नहीं होगा। उसके बाद चैनल एंड इनपुट, वही जो मैंने बताया था एच डी एम आई यू एस बी का जो ऑप्शन है इनपुट में। उसके बाद है हमारा डिस्प्ले एंड साउंड, तो डिस्प्ले एंड साउंड में चल के देखते हैं इसके पिक्चर की जो सेटिंग है। वो पिक्चर हम अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पे देती है, तो यहाँ से आप अपना जाके अलग से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। उसके बाद सेम ऐसे ही साउंड का है, साउंड को भी आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। वापस बैक आ जाते हैं। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके ही वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट एंड साइन इन, यहाँ से हम अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट बनाएंगे जीमेल का। जीमेल का अकाउंट बनने के बाद ही हमारा गूगल असिस्टेंट काम करेगा, उसके बिना नहीं करता। उसके बाद प्राइवेसी है, प्राइवेसी के बाद ऐप्स वगैरह, सभी ऐप्स वगैरह यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ पे सी ऑल पे करोगे जैसे, तो सभी ऐप्स वगैरह सो जाएंगे। ये डेली कास्ट का है, डेली कास्ट में जाओगे तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है वो शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग बोलते हैं। इसको प्रेस करो, उसके बाद उसी वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट करो, और वहाँ पे आपका सेटिंग में जाओगे तो कास्ट में जाके टीवी का नेम आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट नाउ कीजिए, आपका जो फ़ोन की स्क्रीन है वो टीवी में शेयर हो जाएगी। वापस बैक चलते हैं। सिस्टम के बारे में बता देंगे। एसेसिबिलिटी में जाके यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच जो वर्ड हम प्रेस करेंगे वही साथ साथ बोलना। अबाउट, सिस्टम अपडेट, ये फ़ोन की तरह है, जो भी सिस्टम अपडेट नया आता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपना टीवी को अपडेट कर सकते हो। डिवाइस नेम है, रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। स्टेटस, मॉडल नंबर, एंड्रॉयड टीवी ओएस वर्जन हमारा 11 है इसमें, और एंड्रॉयड टीवी ओएस सिक्योरिटी पैच लेवल जो है 5 मार्च 2023, और कर्नेल वर्जन है। तो वापस बैक चलते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम, यहाँ से हम अपना हिसाब से डेट एंड टाइम अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है। कीबोर्ड में हमारा जीबोर्ड ऑलरेडी सेट है, और इसके नीचे ठीक स्टोरेज दिया हुआ है। स्टोरेज में चल के देखते हैं कितना GB स्टोरेज है इसकी, 11 GB स्टोरेज है, और अवेलेबल चेक करते हैं कितनी अभी अवेलेबल है।
नीचे चल के देखते हैं तो 11 GB अवेलेबल है, 11 कुछ GB होती है, तो कुछ ऐप वगैरह ने यूज कर लिया है। एम्बिएंट मोड अभी अनअवेलेबल है, पावर एंड एनर्जी का ऑप्शन है। सिस्टम साउंड, यहाँ से हम साउंड चेंज कर सकते हैं। हेल्थ, पावर एंड एनर्जी में लास्ट एंड इनपुट, ये था लास्ट यूज्ड इनपुट, जो हम लास्ट चलाएंगे चीज़ें वही आपकी बार बार दोबारा LED ऑन होने के बाद वही चलेगी। जैसे सेटअप बॉक्स चलाते हो और दोबारा आप चलाओगे तो सेटअप बॉक्स ही चलेगा आपका। रिस्टार्ट का ऑप्शन है। चलिए बैक चलते हैं वापस। रिमोट एंड एसेसरीज, यहाँ से हमारा रिमोट पेयर किया था मैंने वो दिख रहा है। और इसके अलावा आप साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं या अपने जो ईयरबड होते हैं वो भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस ब्लूटूथ। अब चलाते हैं YouTube। YouTube में हम 4K वीडियो चलाएंगे। 4K वीडियो चला के उसकी सेटिंग में भी चेक करेंगे कि हमारी 4K वीडियो है भी या नहीं। तो पहले हम माइक का सिस्टम ऑन कर रहे हैं और वॉइस कमांड करेंगे। 4K वीडियो जैसे ही हम बोलेंगे तो 4K वीडियो ही आएगा। तो 4K वीडियो हमारी आ चुकी है यहाँ पे माइक का यूज़ करके। कोई भी वीडियो हम यहाँ से पिक करेंगे। तो ये वीडियो मैंने अभी चला दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो है फ्रूट्स वगैरह की, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। पास से दिखा दे थोड़ा आपको। पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। एक बार इसकी सेटिंग में भी जाएंगे, सेटिंग में जाके चेक करेंगे कितने पिक्सल पर हमारी जो है वीडियो ये चल रही है। अभी 720 पे, इसको हम 2160 पिक्सल पे सेट कर देंगे। ये बिल्कुल हाई क्वालिटी है। बाकी आप जितना हाई करोगे उतना आपका नेट यूज होगा। ये हमने 2160 पे कर दिया है। यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी चलेगी जो बिल्कुल क्लियर होती है। यहाँ से वीडियो स्पीड भी आप कम या तेज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में एक एक चीज़ बिल्कुल हमें क्लियर शो हो रही है। बिल्कुल ये 4K वीडियो हमारी, सभी LED में 4K नहीं चलती। जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। पिक्चर क्वालिटी अच्छी है मोटोरोला की भी। अगर आप भी बाई करना चाहते हो तो अच्छा TV है और प्राइस भी जो है ठीक ठाक ही है इसके। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ये मैंने खुद ही किया है LED TV इंस्टॉलेशन। जितने बड़े TV होते हैं लगभग मैं ही खुद ही इंस्टॉल करता हूँ। और भी आपको कोई क्योरीज वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और कंप्लीट प्रोटेक्शन ज़रूर ले इसका। वॉल माउंट का चार्ज लगता है इसमें 499 रुपये आपका।